छोटा प्याजा, छोटा छोटा प्याजा बन्नू, छोटा हेलो बोलो बन्नू, क्यों ना मेरा बाबू है। हाय मेहरबान बैठे जाने जा, शौक से लीजिए इश्क के इम्तिहान। गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। मैंने सोचा आज की शुरुआत थोड़ी सी गाने बजाने से करते हैं, क्योंकि आज का मेरा व्लॉग, मैं बहुत सारे लोग बोलते हैं व्लॉग डालो व्लॉग डालो, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं व्लॉग डालूं। जब मैं सब देख सब आजकल सबको आजकल व्लॉग ही देखना पसंद है, तो मैंने सोचा कि ब्यूटी रेमेडीज़ के साथ साथ, हेल्थ रेमेडीज़ के साथ साथ हमें व्लॉग भी थोड़ा लाइफ में इंजॉय करना चाहिए, क्योंकि यू नो कोरोना आ चुका है और कोरोना जाने का नाम तो ले नहीं रहा क्यों। और हमारी लाइफ ना बहुत ज़्यादा डिप्रेस भी हो चुकी है, मेरी तो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो चुकी है, बिकॉज आफ्टर हैविंग अ बेबी आपको अपने लिए टाइम नहीं मिल पाता। और मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत कुछ करने का वैसे लगता था, आज समटाइम्स आई फील लाइक क्राइंग और बहुत ज़्यादा ऐसा लगता था। बट मैंने सोचा कि क्यों ना हम आपके साथ अपनी दुख मतलब दुख तो नहीं मतलब एक शेयर एक अच्छा सा व्लॉग बनाऊं, ताकि आप और मैं एक जो है एक अच्छे हम अपने जो है एक अच्छे से शुरुआत कर सकें। और इस जो है जो बीमारी चली है, इससे हमें थोड़ा सा एक यू नो एक अच्छा सा हमें रिलीफ मिले, हम एक एक अच्छे से हम वीडियो बनाएं। तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ अपने वीडियो बनाती हूँ और आपके साथ मैं अपना जो भी मेरा डेली रूटीन है, जो भी मैं करती हूँ पूरी दिन और क्या सब, ये मैं आपके साथ शेयर करूँ। और हाल ही में हमने अभी फ्लैट चेंज किया है, ये रहा इसका व्यू, मैं आपको दिखाती हूँ एक मिनट। देखिए ये है इसका व्यू सामने, आपको ये वो स्विमिंग पूल है, ये हमारा अपना घर है, अभी मैं आपको घर भी दिखाऊँगी। और ये सामने है लेक, सामने आपको लेक दिख रही होगी, ये लेक है जो कि यहाँ पे आप शाम को सब लोग घूमने घारने आते हैं। बट तो फ्रेंड यहाँ पे मैंने लहसुन अदरक को बारीक बारीक काट लिया है, प्याज को भी, हरी मिर्चों को भी काट लिया है और टमाटर को भी बारीक बारीक काट लिया है। और इसके बाद मैंने जो है छोले मैंने भिगोए थे ना, तो मैंने प्याज को, लहसुन अदरक के पेस्ट को और जो हरी मिर्चें थी वो अच्छे से मैं इसे भून लूँगी। और जो मैंने छोले थे वो उबाल लिए हैं, मैंने इसमें एक पिंच बेकिंग सोडा डाला था, इससे जो क्या होता है ना जो छोले होते हैं ना उसके छिलके नहीं हटते और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं। और मैंने इसमें खड़े मसाले जैसे कि दालचीनी, तेज़पत्ता, मोटी इलायची, लौंग, ये सब करके मैंने अच्छे से उबाल लिया था। और मीन वाइल ये मसाला हमारा भून रहा है, तो मैं सानवी की जो बॉटल्स है ना, जो फीडिंग बॉटल्स होते हैं, मैं इसे अच्छे से वॉश कर लूँगी, क्योंकि इसे हमें हर दो से तीन घंटे में ना फीड करवाना होता है। तो क्यों ना एक एक बॉटल्स, मैं मेरे को पसंद नहीं है कि बॉटल वापस साफ करते रहो, तो 5-6 बॉटल्स मैं अच्छे से इसे साफ़ कर लूँगी। और जो साथ ही साथ जो मेरे पंपिंग के पार्ट्स हैं ना, पंप जो है, तो उसके भी मैं उसको अच्छे से वॉश कर लूँगी। तो जितने में हमारा मसाला भुनता है, तो मैं सोच रही क्यों ना किचन में खड़े खड़े 2-in-1 काम किया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैं समय जो है और मैं समय अपना यूटिलाइज़ कर सकूं। तो देखिए हमारा जो मसाला है, ये मैं चेक कर लेती हूँ, ये मसाला अच्छे से भून चुका है, प्याज अच्छे से भून चुके हैं, और जो नमक, मिर्च, हल्दी, जो भी हम मसाले होते हैं ना, धनिया पाउडर, गरम मसाला और हल्दी पाउडर, ये मैं सब अच्छे से डाल दूँगी इसमें। और इसके बाद आप चाहें तो इसमें चना मसाला आता है जो भी MDH का आता है, इसमें मैं हल्दी डाल रही हूँ। और बेसिक जो हम मसाले डालते हैं ना, जैसे कि मैंने लाल मिर्च डाली और धनिया पाउडर डाला, ये मैं डाल दूँगी इसमें और अच्छे से भून लूँगी, ताकि ज़्यादा नहीं भूनना। जब भी आप मसाला भूनते हैं ना, तो आप थोड़ा सा गैस का फ्लेम कम कर दीजिए, जिससे कि मसाला अच्छे से भून जाए और जो सब्ज़ी जो भी आप बना रहे हैं ना, इसमें अच्छे सा एक फ्लेवर आ जाए। मसाला जब भूनता है ना, तो उसका फ्लेवर, जो अरोमा होता है ना, वो बहुत ही अच्छा आता है। तो इतने में हमारा मसाला भून गया है अच्छे से, जिससे हार्डली 1 मिनट बहुत ही मीडियम फ्लेम पे अच्छे से मैंने भून लिया। और इसके बाद मैंने डाल दिया टमाटर। टमाटर डालते ही मैं सॉल्ट डाल देती हूँ, नमक डाल देती हूँ, जिससे कि क्या होता है, जो भी टमाटर होता है ना, वो अच्छे से गल जाता है। इसलिए मैं टमाटर बाद हमेशा सॉरी नमक मैं हमेशा बाद में ही डालती हूँ, जब भी मैं टमाटर डालती हूँ, जिससे टमाटर अच्छे से घुल जाता है। और टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक, जो भी हम मसाले डालते हैं ना, वो अच्छे से ग्रेवी बन जाती है। इसको हम अच्छे से भूनते रहेंगे। और जो हमारा मसाला चेक करने का सबसे ज़्यादा अच्छा टेक्निक होता है, और हाँ, यहाँ मैं चना मसाला भी डाल रही हूँ, तो ये मैं चना मसाला डाल रही हूँ, इसका भी अच्छा टेस्ट आता है। वैसे तो मैं गर्म मसाला भी डाला है, पर मैंने रखा था, तो मैंने सोचा चलो डाल लेते हैं। MDH का मैं ये डाल रही हूँ और अच्छे से मिक्स कर दूँगी। बहुत सारे लोग जो होते हैं छोले जब जब डालते हैं ना, तो तभी ऊपर से डाल देते हैं, पर मैं ऐसे इसमें मसाले के साथ ही भून लेती हूँ, क्योंकि
मसाले का फ्लेवर, सारे मसाले का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो ये हमारा मसाला अच्छे से आप देख सकते हैं ऑयल सेपरेट हो चुका है, और जो टमाटर प्याज लहसुन अदरक जो था वो पता ही नहीं चल रहा मसाले में, क्योंकि सब एक अच्छे से ये घुल चुका है। तो ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। ये चेक करने का तरीका होता है जब भी आप कोई भी सब्ज़ी बनाते हैं, मसाला बनाते हैं ना, तो जो ऑयल होता है ना जब मसाला छोड़ दे तो इसका मतलब हमारा मसाला रेडी है। और अब मैं इसमें जो हमने छोले उबाले थे ना तो वो डाल दूँगी मैं इसमें। वैसे भी जब हम छोले भटूरे बनाते हैं ना तो जो छोले वो छोले होते हैं उसमें हम थोड़ा चाय पत्ती का पानी या आंवला डालते हैं जिससे कि ब्लैक कलर आ जाए। तो मैं थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ जिससे कि जो हमारा मसाला है ना वो चिपके ना। तो हमारा मसाला रेडी है। अब जो हमने छोले उबाले थे ना काबुली चने, और हाँ मीन वाइल मैं अपने सानवी को देखने आई हूँ, ये खेल रही है। अब मैंने सानवी को देख लिया, मैंने सोचा किचन में भी ध्यान दूँ, तो ये मैंने छोले डाल दिए हैं कुकर में। और इसको मैं थोड़ा सा इसमें डालूँगी कस्तूरी मेथी, जो कि हल्का सा मैंने तवे पे रोस्ट कर लिया था बिल्कुल हल्का, और इसको अच्छे से क्रश करते हुए डालूँगी। ट्रस्ट मी फ्रेंड, ये कोई भी जब सब्ज़ी आप डालते हैं चाहे कुछ भी बनाए जैसे मटर पनीर या कुछ भी मशरूम वगैरह या छोले राजमा, मैं हमेशा ही मेथी दाना ज़रूर क्या बोलते हैं कस्तूरी मेथी डालती हूँ अच्छे से भून के, उससे इसका अरोमा बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो इतने में मैंने सोचा कि चलो छोले बन रहे हैं तो मैं क्यों ना किचन की साफ़ सफाई कर दूं। जो बर्तन मैंने धोए थे वो इसको रैक में, जो ये डिशवॉशर है ना, वैसे तो डिशवॉशर बर्तन मांजने के लिए होता है, बट ये जो डिशवॉशर है ना वो इंडियन जो भी हमारे मसाले वाले खाने होते हैं ना उसके लिए नहीं होता है, क्योंकि पहले इसको सारा सामान हटाओ, पानी से वॉश करो, सारा जो भी लगा होता है मसाला उसको अच्छे से वॉश करो, फिर सेट करो, 1 से 2 घंटे में ये वॉश करता है। तो इतना तामझाम करने से अच्छा कि हम खुद ही इसको मैं हाथ से वॉश करके रैक में अरेंज कर देती हूँ। फिलहाल अभी बॉटल्स वॉश कर रही हूँ। यहाँ पे मैं सारी बॉटल्स जो है ना सारी उसको रैक डिशवॉशर में लगा रही हूँ जिससे कि ये अच्छे से सूख जाए। और मीनवाइल जो है हमारा ये छोले भी बनी रहे, एक आध सीटी में ये बन जाएंगे क्योंकि पहले से मैंने इसे उबाल के ही रखा था। बस एक आध सीटी में जब बन जाएंगे तो मैं धनिया वनिया डाल के इसे गार्निश कर दूँगी। काम तो बहुत हो गया, अब थोड़ा सा हम अपने आप को हाइड्रेट करते हैं, क्योंकि मैं रेगुलर खड़ी होती हूँ ना तो मेरे ना आजकल घुटनों में मतलब ये जो क्या होता है एंकल बहुत ज़्यादा दर्द करते हैं हमारे मेरे, तो मैं रोज मैं नारियल का पानी पी रही हूँ जो कि बहुत अच्छा होता है। आपको हमेशा नारियल का पानी ज़रूर पीना चाहिए स्पेशली गर्मी में आपको, ताकि हाइड्रेट रहें आप अच्छे से। तो ये मैं अच्छे से झूलते झूलते पी रही हूँ, मुझे बहुत रिलीफ मिलता है इस चेयर पर बैठने से। तो देखिए ये सानवी आ चुकी है, इसको मैं अच्छे से ये ऐसे इसको ना आजकल मैं कंधे पे ऐसे बिठाती हूँ ना, इसे बहुत अच्छा लगता है, शांति से सोती रहती है, मतलब सोती तो नहीं है देखती रहती है शांति से। कल बैठना सीख गई ना तो इसको बैठना बहुत पसंद है। तो मैं इसको ऐसे थोड़ी देर ऐसे लूँगी और पैम्पर करूँगी। तो लीजिए फ्रेंड, ये हमारे गर्मा गर्म छोले तैयार हैं और बहुत ही टेस्टी बने थे। मैं छोले के साथ इसे सर्व करूँगी, आप धनिया वनिया भी डाल सकते हैं लास्ट में। मन्नू ने नई नई ड्रेस पहनी है आज, तो छोना सबको दिखा दो, देखो कितनी सुंदर ड्रेस पहनी है बन्नू ने। छोटा मेरा बन्नू है, बन्नू
छोटा प्यारा। वीडियो है जो मैं बनाई थी, अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देखना। इसका बहुत अच्छा इफेक्ट है, 2-in-1 है। आप इसे बालों में अपने स्किन पे लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छा इसका असर है और बहुत ही ईजली बन जाता है। तो ज़रूर अगर वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखना, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। छोटा प्यारा प्यारा छोटा प्यारा छोटा पलट जाती है। सोना क्या बात हो गई बच्चे, पता है आपको सब देख रहे हैं, रोना नहीं। सब कहेंगे शानवी गंदी बच्ची है, शानवी रोती है, शानवी रोती है, शानवी गंदी बच्ची है। अले अले शलम आ गई, शलम आ गई, शलम आ गई बच्चे को, शलम आ गई, शलम, अले शलम आ गई, शलम 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 आ गई बच्चे को, शलम आ गई। छोटा प्यारा छोटा 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 प्यारा। हाथ नहीं खाते बच्चे, हाथ नहीं खाते, हाथ नहीं खाते, हाथ नहीं खाते। बोलो अभी मैं 3 months की कंप्लीट हो गई हूँ, 4 months की कंप्लीट हो जाऊंगी 15th of August को, इंडिपेंडेंस डे वाले दिन, है ना बन्नो? माची का बर्थडे के साथ, माची का बर्थडे के साथ। छोटा प्यारा देखो सानवी के पापा आ गए। कोई बात नहीं, सबकी यही हालत है। सोना स्वीटू, स्वीटू बाबू बेटू, बेटू चलो बस बस बस। हमारा रात को एक्चुअली हमने कढ़ी चावल खाए थे और सडनली मेरे हस्बैंड ने बोला चलो बाहर घूमने चलते हैं, क्योंकि आई थिंक 4-5 महीने से ना कहीं बाहर नहीं गए। घर पे ही जो भी सामान आता है, आपने देखा होगा पीछे बहुत सारे कार्टन्स आपको दिख रहे होंगे, जो भी सामान आता है अमेजोन से या कहीं से आता है ना, तो बहुत हम उससे करते हैं। तो ये देखिए सारा घर हमने लॉक कर दिया है और हम जा रहे हैं, और ये सारा में हमने मास्क लगा लिया। देखिए शक्ल भी ना मास्क लगा लगा के ना अजीब सी हो गई है। तो मैंने ये डायपर बैग ले लिया है सानवी का, जिसमें सारे उसके डायपर और बॉटल्स एंड ऑल दैट ये सब है। यू नो बच्चे होने के बाद हम पर्स पर्स तो भूल ही जाते हैं, बस ये डायपर बैग में ये सब चीज़ें ले जाते, नहीं तो हमें अगर अकेले होते ना तो कुछ भी पर्स उठाए और चल दिए, पर जब बच्चा हो जाता है ना तो पूरा डायपर बैग, पूरा बॉटल्स उसका, ये वो बहुत सारी चीज़ें रखनी पड़ती है। तो पहले से प्रिपरेशन करके रखनी पड़ती है, चाहे हम 10 मिनट के लिए बाहर क्यों ना जाए, और 10 मिनट के लिए ही हम गए थे। और ये मंदिर जा रहे हैं हम, वो भी बाहर से। ये देखिए यहाँ का अमेरिका का मंदिर है, आपको हनुमान जी दिख जाएंगे। देखिए जय श्री राम, आपको दिख रहे होंगे ना हनुमान जी, ये रहे हनुमान जी पीछे। एक्चुअली मैं तो गाड़ी में ही बैठी थी, मेरा मन ही नहीं कर रहा था। एक्चुअली 4-5 महीने से घर में बैठ बैठ के ना हमें आदत बन चुकी है घर में रहने की, क्योंकि पहले मैं बहुत घूमती थी। उसके मैं आपको व्लॉग शेयर ज़रूर करूँगी, बहुत ज़्यादा वेगस गए थे और बहुत जगह गए थे। तो ये देखिए ये हमारा जो है मंदिर, यहाँ पर लोग 2-4 लोग ही खड़े हैं मास्क लगा के, और ये बाहर मेरे हस्बैंड और जो मेरी मदर इन लॉ है वो बाहर घूम रहे हैं, सानवी को थोड़ा घुमा रहे हैं, 5-10 मिनट वो बाहर घूमे, और उसके बाद मैं तो कार में ही बैठी हूँ, मैं कार से ही वीडियो बना रही हूँ। मैंने कहा मेरा मन नहीं कर रहा जाने का, तुम्हें जाना है तो जाओ।
हाय गाइस, तो हम यहाँ के मंदिर आ चुके हैं जो कि अमेरिका का मंदिर है। तो मैं तो गाड़ी में ही बैठी हूँ, बाकी मेरे हस्बैंड और मदर इन लॉ सानवी को लेके बाहर गए हुए हैं। तो ये अभी हम आए हुए हैं थोड़ा सा, बहुत दिनों बाद हम मतलब घर पे ही थे, तो हमने सोचा क्यों ना अभी खाना खाया था, तो मेरे हस्बैंड ने सडनली बोला कि चलो तुम्हें कार में घुमा के लाते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैं ऐसी चप्पल में और पजामे में आ गई, क्योंकि मैं तो गाड़ी में ही बैठी हूँ, मैंने कहा मैं बाहर नहीं जाऊँगी, तो मास्क मैंने उतार दिया है। तो चलिए आज के व्लॉग को हम यहीं पे ही ख़त्म करते हैं। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही अच्छे अच्छे व्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर देना। तो यहाँ पे अब रात हो चुकी है, तो मिलती हूँ मैं आपके साथ नए किसी होम रेमेडी ऐसे ही अच्छे अच्छे व्लॉग के साथ। टिल देन बाय, गुड नाइट।